ये चारपाई होती है, बहुत छोटी सी होती है। इसको हरियाणा, यूपी, एमपी, पंजाब और भारत के कुछ राज्य स्टेट्स में इसको यूज़ किया जाता है फॉर द सिटिंग पर्पज़, मतलब बैठने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। तो और ये आपको शॉप्स पे, दुकानों पे भी मिल जाएगा, लोकल दुकानों पे भी आपको मिल सकता है। सो हम इसका कवर बनाएंगे, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें वाइट और कुछ जो है ना सफ़ेद कलर की जो ये इसमें रस्सियाँ लगाई हुई हैं, तो ये गंदी हो सकती हैं इसलिए, और थोड़ा और अच्छा लगेगा दिखने में, ताकि अगर इसके ऊपर हम लोग कुछ कवर लगा दें तो ठीक है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि आप कवर कैसे बना सकते हो। और कवर हम जो है ना यहाँ पे आपके घर में वायल चुन्नी जो होती है, पुरानी चुन्नी, उसको यूज़ करके बनाएंगे, ताकि आपके घर की पुरानी चुन्नी भी यूज़ हो जाए और आपका कवर भी बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये चुन्नी ले ली थी हमने, और इसके दो लंबाई में हमने इसके दो लंबे पीस कर लिए। जैसे कि मैं आपको एक पीस दिखाता हूँ इसमें से, तो एक पीस आप देख सकते हैं कि हमने लंबाई में इसको सिर्फ बिल्कुल आधा आधा काट लिया है। और इस पीस को हम इस तरीके से डबल लेयर्ड हम लोग कवर बनाएंगे, दो लेयर का, मतलब दो दो इसके पार्ट मतलब वो होंगे एक साथ, ताकि डबल और थोड़ा मोटा बन जाए और बैठने में भी आसान रहे, क्योंकि कई बार ये रस्सियाँ चुभती भी हैं, सो आपको वो भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस चुन्नी को आप इस प्रकार से बिल्कुल सीधा जो है ना लंबाई में इसको बिछा करके इसका सेंटर पार्ट ले ले, ताकि दोनों तरफ का आधा आधा पार्ट बाहर निकला हुआ हो इस तरीके से, ताकि इसको आप नीचे ले जाके सील सके, और ऐसे ही दूसरी तरफ से। तो सेंटर से आप इसको बीच में इस चुन्नी को ऐसे रख लें, और फिर इसके किनारी को जो जो इसके कॉर्नर होंगे इनको आपको ऐसे फोल्ड मोड़ लेना है, और फोल्ड करके आपको यहाँ ऐसे रख लेना है। तो दोनों तरफ आपको यही करना है, इसके इस तरफ भी और उस तरफ भी, ठीक है। आपको इतना करने के बाद इस को स्टैंड करना होगा, इस पीढ़े को खड़ा करना होगा। खड़ा करके आप इसको ऐसे पीछे फोल्ड करके आप इसको धरती में टिका भी सकते हैं, और पूरा धरती में लिटा करके इसके पिछले हिस्सों को आप जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद आप इसको टाका लगा लेंगे, सिलाई कर लेंगे इसकी। तो जैसे इसको हमने फोल्ड कर लिया, और ये सुई धागा ले करके अब इस सुई से हम इस जॉइंट को जो है ना सिल देंगे, इसके बीच में टाका मार देंगे। आप जैसा टाका लगाना चाहे वैसा लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं हार्ड लगाना चाहते हैं तो हार्ड लगा दें, या फिर जैसे हम लोग तुरपाई करते हैं जैसे एक नॉर्मल हल्का हल्का टाका, ताकि आप इसको धोना चाहें कवर को निकाल के, तो इस टाके को हल्का सा काट के और धागा निकाल के जिससे टाका लगे उस धागे को आप निकाल के इसको धो करके वापस सील सकते हैं। तो ये कवर इतना ज़्यादा आपके लिए रिलायबल होगा, इजी होगा इसको, मतलब बहुत ही आसान तरीके से आप इसको खोल के धो के आप दोबारा इसको लगा सकते हैं। तो आप इसको बस अंत तक आपको इसको टाका लगा लेना है, जैसा आप चाहते हैं, टाइट, ढीला, जैसा भी। तो ये ऐसे आपने अंत तक जो है ना इस पे टाका, सिलाई, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं, ये लगा लिया है। और इसमें आप ये इतना धागा जो आखिरी में आपका बस था, आप इसको आखिरी वाली रस्सी के साथ ही बांध सकते हैं, ताकि ये सिकुड़े ना, ये थोड़ा सिकुड़ जाए चुन्नी, फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसमें सड़ा जाएंगी, या फिर रिंकल्स जिसे आप बोलते हैं वो आ सकते हैं, तो वो नहीं आएंगे। तो आप आखिरी वाली कुछ रस्सियों में जो है ना इस टाके को लगा सकती हैं। तो मेरी कुछ प्रिय बहनों, आप इसको बना सकते हो। अगर आप चाहते हो अपने घर में कुछ अच्छा सा कवर रखना, थोड़ा सफाई पसंद हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने इसको टाके को लगा के इसको फिर सीधा कर लिया, और एक लेयर आप देख रहे हैं, इतनी शानदार लेयर, इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल लेयर जो है आपकी पुरानी चुन्नी से जो है ना बन सकती है। आपको कोई नया कपड़ा बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इतने अच्छे से बना सकते हैं। इसकी थोड़ी सल निकाल ले, और फिर हम जो है इसके ऊपर अपनी दूसरा जो हमारा चुन्नी का पार्ट था, जो दूसरा हिस्सा हम लोगों ने करा हुआ था, उसको यूज़ कर लेते हैं। और इसको भी हम वैसे ही बस इसको जो है ना वैसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने पहले वाले को फोल्ड किया था, और फोल्ड करके फिर हम इसको पीछे जो है ना इसके टाका लगा लेंगे, और टाका लगाने के बाद रेडी हो जाएगा। तो चलो हम टाका लगाते हैं फिर फटाफट। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया उल्टा करके, और अब इसको ऐसे रख के जो है ना हम बराबर करके इस पर यहाँ पर टाका लगा देंगे, बस सिलाई कर देंगे, निट, वी विल निट इट। तो इसको हमने ऐसे यहाँ से जो है ना टाका लगाते हुए इसको, और थोड़ा सा आप इधर भी टाका लगा सकते हैं, ताकि जो निचला जो दूसरे वाला हमारा पार्ट था वो ऊपर वाले पार्ट के साथ चिपक जाए, और वो सिकुड़े ना, नो स्क्वीज, यू नो इफ इट विल स्क्वीज इट लुक्स बैड, सो यू कैन निट इट लाइक इन द एंड।
तो आप देख रहे हैं हमने इसको सीधा कर लिया और ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें से ऐसा सड़ निकाल के इसको फोल्ड कर लिया है। तो जैसे कि इसे इंग्लिश में DIY बोलते हैं, डू इट योर सेल्फ, सो आप अपना कवर बना सकते हैं घर में ऐसे। भाई बहुत मुश्किल आती है, छोरी चुप रखी है मैंने, यू नो दिस गर्ल कीप क्वाइट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। तो भाई इसने लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट अवर चैनल सो दैट वी कैन मेक सम मोर DIYs। तो भाई हम और वीडियो बना दिखावाएं, तुमने बड़ी मुश्किल चुप रखी थी छोरी, तो प्लीज़ इसको कमेंट लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू गाइज़।